आज की जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान गल्फ या किसी और कंट्री से कनाडा के लिए और यहाँ पे आके क्विकली अपना लाइसेंस लेना चाहते हैं मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसको ना हाउपीर लॉर्ड फिशर तो कैनेडा में लाइसेंस लेने के तीन स्टेप हैं नंबर वन नॉलेज टेस्ट जी वन, और इसके बाद जो है वो आपको वन ईयर वेटिंग टाइम है और फिर आप जी रोड टेस्ट के लिए अपियर होंगे जो कि लोकल ड्राइव टेस्ट है फिर अगेन वन ईयर का वेटिंग टाइम होगा और फिर आप फाइनल जी रोड टेस्ट के लिए अपीयर होंगे जो कि हाईवे का टेस्ट है ये पूरा प्रोसेस जो है विद इन फाइव ईयर्स आपको फिनिश करना है अगर विद इन फाइव ईयर ये प्रोसेस फिनिश नहीं करते तो आपको पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा लाइसेंस प्रोसेस जो है से आपने जी नॉलेज टेस्ट पास किया फिर आप जी रोड टेस्ट के लिए अपीयर हुए और विद इन फाइव ईयर्स टाइम आप अपने फुल जी रोड टेस्ट के लिए अपीयर नहीं हुए तो यू विल लूज योर लाइसेंस एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैश अगेन अब इसमें से कुछ स्टेप हैं जिनको हम लोग स्किप कर सकते हैं अगर हमारे पास बैक होम से ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेटर हो तो लेटर तो जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए अगर खाली आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है और लाइसेंस नहीं है तो इट्स नॉट गोना एक्सेप्टेबल तो मेक श्योर कि यू हैव बोथ थिंग्स ओरिजिनल विद यू व्हेन यू विल गो फॉर द जी वन लाइसेंस हियर तो उस टाइम पे वो आपको सबमिट करना है मिनिस्ट्री को तो मिनिस्ट्री वो आपका जो एक्सपीरियंस uh, लेटर है वो एक्सेप्ट करेगी और फिर आपको उस बेसिस पे क्रेडिट्स मिलेंगे तो लेट्स ए कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेस देन वन ईयर है तो फिर आपको रेगुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे यानी कि आपको नॉलेज टेस्ट के लिए जाना होगा फिर वन ईयर का वेटिंग टाइम होगा फिर आप जी टू रोड टेस्ट के लिए अपीयर होगे और फिर अगेन वन ईयर वेटिंग टाइम के बाद आप फुल जी के लिए अपीयर हो सकते हो लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो वन टू टू ईयरस है तो फिर आप नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद फ़ौन बाद आप अपना जी टू रोड टेस्ट बुक कर सकते हैं विदाउट एनी वेटिंग टाइम लेकिन फ्रॉम जी टू टू जी अगेन वहाँ पर वन ईयर का वेटिंग टाइम होगा और अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन ट्वेंटी फोर मंथस है तो जी वन नॉलेज टेस्ट पास करने के बाद आप डायरेक्ट जी रोड टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हो लेकिन आपके पास एक चांस है वो रोड टेस्ट पास करने का अगर इन केस आप वो रोड टेस्ट पास नहीं कर पाते तो आप अपना जी टू रोड टेस्ट बुक कर सकते हो विदाउट एनी वेटिंग टाइम आप ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस एड करवा चुके हो और जब आप अपना जी टू रोड टेस्ट पास कर लेते हो उसके बाद आप अपना री बुक कर सकते हो जी टेस्ट विदाउट एनी वेटिंग टाइम। जब जी वन टेस्ट के लिए जाएंगे उस टाइम पे अपना एक्सपीरियंस एड करवाएंगे और ओरिजिनल लेटर आपके पास होना चाहिए आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको लेटर इशू करती है अगर वो लेटर जो है वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करवा लें और उसकी जो फॉरेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टैम्प्स हैं उनको वो लगवा लें और वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है दोनों चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग